सिपाही और महिला वकील की बीच रोड पर खींचतान के बाद अब वकीलों और पुलिस के बीच मामला बढ़ता जा रहा है। जहां पूरे प्रदेश में वकीलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तो वहीं ऐसी ही तस्वीरें संभल से भी देखने को मिली, जहां पर वकीलों ने भारी संख्या में प्रदर्शन करते हुए डीएम को ही बीच रास्ते पर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल हापुड़ में 29 अगस्त को पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कई वकीलों के साथ साथ पुलिस वालों को भी गंभीर चोटें आईं और पुलिस की कार्रवाई की वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद प्रदेश भर में वकीलों ने धरना प्रदर्शन से लेकर चक्का जाम कर दिया। लेकिन इन सब के बीच 30 अगस्त को संभल में कोतवाली इलाके में चौराहे पर स्थित इंटर कॉलेज से स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करके निकले जिलाधिकारी मनीष वंसल निकल रहे थे, लेकिन इस दौरान आक्रोशित वकीलों ने उनकी गाड़ी के आगे आकर उन्हें चौराहे पर ही रोक लिया, जिसके बाद डीएम का घेराव करते हुए गाड़ी के आगे खड़े होकर वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। अब इतना सब हो जाने के बाद जब वकील रास्ते से नहीं हटे, तब डीएम को गाड़ी से उतरकर नीचे आना पड़ा, जिसके बाद वकीलों ने ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे वकीलों से बात करने पर उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जिन लोगों ने यह लाठी चार्ज किया है, उन लोगों का निलंबन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज आपने इस संबंध में क्या है कि जो हापुड़ में हमारे वकील अधिवक्ताओं के साथ में और जो महिलाओं के साथ में जो आप विरोध हुआ है, तो लाठी चार्ज कर रही पुलिस ने, हम उसके विरोध खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने यह घोर निंदनीय है यह अपराध जो पुलिस ने करा, जहाँ प्रशासन सहायता के लिए खड़ी होती है वहाँ दर्दा लिए खड़ी है अधिवक्ताओं के लिए। अगर अधिवक्ता भी अपने अदालत पर घुसने दें तो क्या होगा, हम भी इसके साथ में विरोध करेंगे। इनके साथ भी कार्रवाई हो, वो अपना अपराध को कार्रवाई हो, इन्हें निलंबित कर दिया जाए। मैडम क्या मांगे आपने? प्रदर्शन किया है, क्या मामला है पूरा? हापुड़ में अधिवक्ता साथियों के साथ हाथापाई हुई है, लाठी चार्ज किया गया है इलीगल तरीके से। वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसी कारणवश, उसके लिए जगह हम सस्पेंड करने की मांग करते हैं सबको। क्या मांगे आपकी? सस्पेंड करने की, उन्हें बर्खास्त करने की, सिरे से बिल्कुल निलंबित करने की। फिलहाल यूपी में तमाम जिलों में प्रदर्शन लगातार जारी हैं, ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये मुद्दा कहां तक जाता है और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।